तो दोस्तों आज जो है गोरखपुर में ये भैया आज लास्ट नाइट है मेरी, तो आज बच्चे कह रहे हैं कि फूफा चलो पार्टी दो पार्टी दो, मतलब भैया चलो आज पार्टी देते हैं बच्चों को। तो आज हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, एक शुभम रेस्टोरेंट है आगे चल के बाजार में, तो अभी वहाँ निकल रहे हैं सीधा। और बच्चा पार्टी खुश, देखिए बच्चा पार्टी एकदम खुश। तो बानी कहाँ जा रहे बेटा? रेस्टोरेंट। क्या करने? पार्टी करने। ये गुल्लू कहाँ जा रहे बाबू? बताओ बताओ बताओ, रेस्टोरेंट पार्टी करने। अरे और दोस्तों ये देखो, ये है ट्रेन आ रही है इधर से, जो कि सीधी जाएगी बिहार, ये जाती है इधर को बिहार, ये सीधा जो ट्रैक है ये आपको ले जाएगा यहाँ बिहार की तरफ। अभी फाइनली जो हम आ चुके हैं भैया शुभम रेस्टोरेंट में, और अभी जो है हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, और अभी खाना आने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या आ रहा है। हाँ, आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये है नाश्ते में, और ये हो गया आपका बर्गर, और ये हो गया आपका चाइनीज। कैसे कर रही तू? चल रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या कर रही हूँ? बस ये तो ऐसे ऐसे और दोस्तों ये देखिएगा शुभम रेस्टोरेंट में कितनी अच्छी डेकोरेशन लगी हुई है अंदर, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है इस रेस्टोरेंट के अंदर की। जी फाइनली जो है अपना खाना आ चुका है, और आप देख सकते हो खाने में राइस भी है, और भाई सभी तरह की सब्जियां हैं, पूरा प्रॉपर खाना। अभी बच्चा पार्टी रेडी बिल्कुल। अभी तो दोस्तों अभी बताते हैं आप लोगों को कि हमें खाना है कैसा स्वाद। तो अभी जो है मिक्स वेज, ये आ गई है मिक्स वेज, ये देखिए ये है मिक्स वेज, एक नंबर भाई मजे आ रहा है। ये आ गई है दाल, मटर है बेहतरीन, और ये आ रहा है शाही पनीर। एक नंबर हाँ भाई, ये है आपका पुलाव, पुलाव तो भैया खाना तो हो चुका है, अभी भैया का बिल जमा करते हैं। दोस्तों अभी रेस्टोरेंट का बिल भरने के बाद में निकले हैं सीधा गोरखपुर की गलियों में, और भाई खाना की बताऊँ तो दोस्तों खाना तो एक नंबर का था बिल्कुल, लेकिन प्लेट का हिसाब भी अच्छा था उसका, ऐसी बात नहीं है, 180 रुपये में भरपेट आदमी खा सकता है बिल्कुल, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। फाइनली आ चुके हैं इस टाइम भैया खाना खा के, और बच्चा पार्टी भैया थक के एकदम हो गए थे चूर, क्योंकि काफ़ी लंबा हमें चलना पड़ा थोड़ा सा, और बच्चे तो सो चुके हैं, तो अभी हम भी सोने की तैयारी करते हैं दोस्तों। चलिएगा मिलते हैं आपसे अब सुबह को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अब जो है सो के उठ चुके हैं भैया इस टाइम, और अभी बानी और गरिमा लगता है अभी सो रहे हैं दोनों बच्चे। देखें ये तो है बानी, बानी उठो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इधर गरिमा, गरिमा उठो बाबू, चलो गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ, ओ शेर, चलो भाई टाइम हो गया है। फाइनली चाय ये देखिए आ चुकी है इधर गरिमा बिस्कुट के साथ, तो जी पीजिएगा चाय आप लोग, बेहतरीन चाय हुआ एकदम, एक नंबर की चाय बनाई हुई है। बच्चों कल की पार्टी कैसी रही भाई? रात रात वाली पार्टी गंदी। क्यों भाई, अच्छी नहीं लगी पार्टी? पिज्जा पार्टी अच्छी थी पिज्जा। अरे वो पिज्जा पार्टी नहीं थी भाई, हमने पिज्जा थोड़ी खाया था, हमने तो सिर्फ खाना खाया था, रसगुल्ले भी खाए थे, उसमें रसगुल्ले भी थे। हाँ भाई, तो भैया बानी को तो अच्छी नहीं लगी इसका मतलब पार्टी, लेकिन गरिमा बोल रही है कि पिज्जा पार्टी, अरे वो पिज्जा पार्टी नहीं थी भाई, अरे रोटी के साथ पिज्जा भी खाया था। तो दोस्तों अब जो है चलो नहा लेते हैं भैया, और अभी पवित्रा ने खाना बना दिया है, और अभी कढ़ी चावल आने वाले हैं, और इधर बच्चा पार्टी, ये देखिएगा बानी और हमारी गरिमा। तो गरिमा खेल खेलोगे कौन सा खेल है भैया, कोई खेल बता रहे बच्चे की फूफा, एक खेल आन मिलो सिलो पता नहीं कौन सा गेम है, तो अभी देखते हैं वो कौन सा गेम है, आप लोग बने रहिएगा हमारी। तो दोस्तों अभी फाइनली जो है बानी खेलेंगे हमारे साथ वो गेम, पता नहीं कौन आलो बेलो सिलो पता नहीं क्या है, तो अभी चलो बानी कैसा है चलो गाओ जो। Thank you.
जी फाइनली जो है खाना आ चुका है। तो भैया खाने में कढ़ी और चावल आपको चेक करके बताते हैं कि कढ़ी और चावल हमारे कैसे बने हैं। तो ये मिला दी मैंने कढ़ी और जी ये आ गए हैं कढ़ी चावल। ओ भाई साहब एक नंबर बने भाई एक नंबर बहुत मजे आगा बाद में एकदम। दोस्तों अभी जो है हमारा एक गेम होने वाला है वही निशानने वाला। तो अभी बैरियर सोनू की शर्त है कि भाई तीन तीन चांस मिलेंगे, तीन चांस में देखते हैं कौन कितनी बार मारता है, जो जितनी बार मारेगा वो जीत जाएगा। और नेक्स्ट डे जब भी मान लो सोनू छुट्टी आता है, जैसे छुट्टी आएगा तो ऐसा करेंगे ना तो पिज्जा पिज्जा की पार्टी चलेगी। और भैया पिज्जा की पार्टी चलेगी या तो अगर सोनू जीता तो मैं खिलाऊंगा मेरठ में, अगर मैं जीतता हूँ तो सोनू खिलाएगा बागपत में। तो हम दोनों के अब ये है हाँ जलेबी प्लस जलेबी भी आ गई पिज्जा के साथ में। पिज्जा खाने के बाद है प्लस जलेबी एक किलो, नहीं नहीं एक किलो जलेबी है। तो जी मैच जो है शुरू होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा हमारे मैच में। तो निशानेबाज जो है निशाना लगाते हुए और आप लोग देखते रहिए और पोजीशन ले लिया बिल्कुल। पहला चांस, तीन चांस दिए जाएंगे और चलो हमने ये चांस भी दे दिया। हालांकि वैसे बोतल में लगी है पर चलो ठीक है, हम इसे भी लगा लेंगे क्योंकि ये नंबर तो हमारा भी आएगा, कोई बात नहीं। तो एक चांस में लग चुकी है, अब दूसरा चांस और दूसरे चांस में देखते हैं क्या होता है। मिस, दूसरा चांस हो गया है मिस। और जी अब ये तीसरा चांस लास्ट चांस है, अभी देखते हैं क्या होते हैं क्या होता है। सीधा लगाओ बेटा उसे बा तो जी निशानेबाज ने तीसरा निशाना लगाने को तैयार और क्या होता है आप लोग बोतल में लगा लेकिन ये नहीं लगे क्योंकि वो गिरी नहीं है, वो गिर जाती तो मैच जीता। तो सोनू ने जो है ये 3-1 मतलब कि तीन में से सिर्फ एक निशाना लगा है। नंबर आ चुका है, अभी देखते हैं क्या होता है। तीन में से भी कितने शॉट मारने वाला हूँ वो भी पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा निशानेबाज है। बैठ चुके हैं यूट्यूबर। देखेंगे दोबारा स्लो मोशन में। थोड़ा तो टाइम हो गया चलने का और मैंने जो अभी तैयारी कर दी, अपना बैग वगैरह तैयार है और पवित्रा ने खाना बना के भी दे दिया है तो कढ़ी और रोटियां हो गई है इसमें। और भैया अभी 8 बजे से ट्रेन है तो अभी थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मौसम यहाँ का ऐसे ही है, थोड़ा सा हवा चल रही है बहुत तेज, कभी मौसम बिगड़ जाए तो जी बच्चा पार्टी भी हमारे साथ चल रही है छोड़ने के लिए, बानी और इधर गरिमा। तो गरिमा चलो भाई बैठो। तो जी अभी ये देखिएगा ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है गोरखपुर के रोडों पर, ये देख सकते हो आप लोग। अभी 7 बज चुके हैं, अभी हमारे पास 1 घंटा और है तो पहुँच ही जाएंगे। तो दोस्तों अभी फाइनली जो है भैया ऐसे मैंने ही रिक्शा ले लिया है क्योंकि बच्चे साथ में थे तो थोड़ा सही नहीं था अभी जाम की स्थिति, वैसे आके बच्चे को भैया ऐसे होता है सो जाते हो कभी गिर जाए तो अभी पहुँच जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। और दोस्तों ये देखें गोरखपुर सिटी, अभी रात का क्या नज़ारा है इस टाइम देख सकते हैं आप लोग। फाइनली पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म पर और अभी अपनी ट्रेन लगने वाली है। तो जी फाइनली अपनी ट्रेन लग चुकी है और अभी चलते हैं अंदर, B18 यही मेरा डिब्बा है। तो दोस्तों फाइनली जो है अपनी सीट मिल चुकी है और भैया अभी आराम कर रहे हैं तो मज़े से अभी सोते हैं। और भाई सुबह तारते की है ट्रेन हमें 8:30 बजे के आसपास, तो फिर वहाँ से रोडवेज पकड़ के सीधे अपने मेरठ तो चलेगा, सोते हैं गुड नाइट। तो जी अब आ चुके हैं फाइनली दिल्ली और अभी यहाँ से पकड़ेंगे हम रोडवेज बस और अभी निकल रहे हैं सीधा रोडवेज पटरी के। तो जी अब फाइनली मिल चुकी है बस और अब ये बस सीधा जा रही है हमें बागपत बाईपास, लगभग 1.5 घंटा लगेगा ऐसे जाने में। और ये देखिए अभी बारिश अभी पड़ के बंद हुई है, यहाँ बारिश पड़ी थी बहुत ज़बरदस्त बारिश देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों ये देखिए गाज़ियाबाद में कितनी तेज़ बारिश हुई है, ये देख सकते हो आप लोग, पानी भरा हुआ है भाई साहब बहुत ज़्यादा है।
बारिश बहुत हक्कड़ हुई है लगता है इधर। तो दोस्तों रोडवेज बस ने उतार दिया भैया बागपत बाईपास, थोड़ा सा उन्हें उरे उतार दिया ऊपर गई है फ्लाई ओवर के, तो अब यहाँ से करेंगे आगे चल के थोड़ा सा ऑटो। तो जी अभी बाईपास से जो है फाइनली मेरी धंधो मुझे मिल चुकी है। अब ये जो है जो उन्हें खड़ी कर दी थी हमारे दोस्त हैं उनके यहाँ पे, तो अब यहाँ से लेके चल रहा हूँ मैं सीधा घर के लिए। तो जी आ गए हैं अपने गाँव, अपने गाँव की हरियाली में, और भैया बड़ा अच्छा मन लग रहा है एकदम, क्या बात है। और यहाँ रात बारिश पड़ी थी दोस्तों, अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा पानी भरा हुआ है और सड़क जो है बिल्कुल खाली हुई पड़ी है, तो रात बहुत ज़बरदस्त बारिश थी भाई।